नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिजिटल साथी में। आज हम बात करेंगे ई फाइलिंग की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार से अपन को ई फाइल क्रिएट करनी है, किस प्रकार से भेजनी है, कैसे उसमें डॉक्यूमेंट अटैच होंगे और किस प्रकार से उसको सिग्नेचर करवानी है आगे भेज के। चलिए बात करते हैं। पहले अपन को एसएसओ में लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद में राजकाज ई फाइल या डाक इस ऑप्शन पे क्लिक करके राजकाज ओपन करनी है। आजकल एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन थ्रू ओटीपी और लॉगिन थ्रू पिन का, तो इसमें मैंने पिन सेट कर रखा है तो मैं पिन से लॉगिन कर लूँगा। और बाय डिफॉल्ट यदि पिन सेट नहीं है तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। अब अपन देखते हैं कि ये अपना एक डैशबोर्ड है, इसके अंदर जो भी ई फाइल्स है उसकी सूचना आपको यहाँ मिलेगी। ई फाइल के अंदर जो भी अभी क्रिएटेड है या ओपन फाइल है वो, और जितनी भी डाक आती है वो इसमें आती है। आज हम केवल ही फाइल के बारे में बात करेंगे, डाक के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि अपन को फाइल कैसे बनानी है और उस फाइल को बना करके आगे कैसे भेजना है। उसके अंदर DFA और जो रेफरेंस के लिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो कैसे अटैच करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्रिएट फाइल पे जाएंगे। इसके अंदर ऑप्शन है फाइल क्रिएशन का, सेल्फ और ऑन बिहाफ। एक होता है सेल्फ, भाई हाँ मैं खुद ही फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एक होता है ऑन बिहाफ कि भाई कोई दूसरा कर्मचारी है वो छुट्टी पे है तो उसकी जगह मैं यह फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और ऑन भी आप पे जाएंगे तो उस कर्मचारी की डिटेल यहाँ पे अपन को सर्च करके डालनी होती है और यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर देते हैं। और मोस्टली अपन को खुद को ही बनाना होता है तो सेल्फ पे क्लिक करते हैं। यहाँ अपनी डिटेल आ जाएगी, फाइल टाइप में एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल। इसके अंदर है भाई आप ये फाइल नहीं बना रहे हो या पहले से आपके पास में मौजूद है, तो हमारे पास में पहले से फाइल मौजूद है इसके लिए अपन यहाँ पर एग्जिस्टिंग ही करेंगे। और फिर फाइल का नेचर इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, अपन को करना इलेक्ट्रॉनिक ही है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ही करनी है चाहे पहले से है या नहीं है। फिजिकल फाइल है तो फिजिकल फाइल का कोई औचित्य नहीं होता है, फिजिकल फाइल अपने पास वैसे ही पड़ी है तो वो पड़ी रहने दो। अपन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये फाइल नहीं बनानी है। अब यहाँ पे लास्ट नोट शीट पैरा नंबर ऑफ फिजिकल फाइल, मतलब अपने पास जो फाइल पड़ी है फिजिकली उस फाइल के अंदर अब तक जितना भी काम हो गया है वो ठीक है, अब जो काम करने वाले हैं अपन आगे उसके अंदर वो पैराग्राफ कितने नंबर का है, मतलब उसमें जो नोट शीट चल रही है उसमें कितने नंबर का पैराग्राफ है वो यहाँ पर डालना है। ये उसके लिए जो एग्जिस्टिंग फाइल है और अपन चाहते हैं कि हम इसी फाइल में आगे बढ़ें और इसमें पैरा बनाना जरूरी है, तो इसके लिए फिजिकल फाइल का पैरा नंबर यहाँ पर डालना होता है। तो मैं भी ऐसी कोई फाइल नहीं है मेरे पास में जिसका मेरे को पैरा बनाने की आवश्यकता हो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिजिकल फाइल का नंबर डाल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास में कोई एक फाइल है जिसके नंबर है अलग अलग ऑफिसर्स में अलग अलग फाइलें होती हैं, उनके नंबर भी उनके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं और मोस्टली फाइल्स है उनका नाम उनका नंबर है अपने पास, स्पेशल कोई नंबर कई डिपार्टमेंट्स में होते ही नहीं है। तो यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं और उसका नंबर भी लिख सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर तरीके से फाइलिंग कर रखी है तो उनके फाइल के नंबर होंगे जैसे F1 F2 F3 इस प्रकार से नंबर होंगे। तो इस प्रकार मैं यहाँ फिजिकल फाइल का नंबर डाल देता हूँ और नंबरिंग के बाद मैं उसके
सामने अपन को उसका नाम भी डालना होता है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट फाइल डाल देता हूँ। जैसे एस्टेब्लिशमेंट किया तो यहाँ पे ESTT डाल दो या कुछ और जो भी आपके फाइलें चल रही है वो डाल दो। फिर है फिजिकल फाइल नंबर, ये हिंदी में डालना होता है यहाँ पे दूसरे कॉलम में, तो ये भी कोई हिंदी में डालो, कंपल्सरी नहीं है। हाँ डालना चाहो तो अच्छी बात है करके, मैं हिंदी में डाल देता हूँ। शॉर्ट कोड यदि आप रखना चाहो कोई शॉर्ट कोड, कि भाई बहुत बड़ा फाइल नेम हो किसी का तो उसका शॉर्ट कोड रखना चाहोगे, भाई किस मैटर के संबंध में फाइल है तो उसका यहाँ पे शॉर्ट कोड डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट हेड, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, पहले अपन को सब्जेक्ट हेड क्रिएट करना होता है। वर्तमान में ये शायद कहीं पर भी लागू नहीं है। और अब है फाइल नेम, फाइल नेम अब उस फाइल का प्रॉपर नाम डालना है, भाई ये फाइल किससे संबंधित है। ये तो ऊपर तो नंबर थे, इसमें भी अपन ने नाम डाला है साथ में, पर यार यदि आप नहीं डालना चाहो तो भी चलेगा, पर यहाँ पर फाइल का नाम डालना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फाइल फॉर टेस्ट, ये यहाँ पे क्रिएट फाइल कर देंगे तो ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये फाइल क्रिएट हो रही है, ये आ गई अपनी फाइल। अभी ये फाइल है वो अपने इनबॉक्स के अंदर दिखने लग जाएगी। ये मैं इसको काट देता हूँ आपको पता चले, ये मैंने फाइल काट दी है पर ये फाइल ओपन है, तो ये अपने को अपने इनबॉक्स के अंदर ई फाइल के कॉलम में दिख जाएगी। ये देखिए, तो अपन अब इस पर काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आ गया जैसे पैरा नंबर एक, कोई भी नोटिंग डालनी होती है तो अपन यहाँ डालते हैं। और अब इसके अलग अलग ऑप्शन है, फाइल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, वर्तमान में ये फाइल ओपन है तो ये इसका डिटेल आगे स्टेटस है वो ओपन आ गया। फिर लिंक्ड फाइल, यदि इससे कोई अन्य फाइल लिंक होती और अपन करना चाह रहे हो तो अपन इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे पर्पज, वे किस पर्पज के लिए फाइल इनिशिएट कर रहे हो, तो यहाँ से अपन यहाँ का पर्पज इनिशिएट कर सकते हैं। पर्पज इनिशिएट के लिए डिफॉल्ट पर्पज है, ये बहुत सारे डिफॉल्ट पर्पज है जो सेट किए जा चुके हैं। जैसे मान लो कि यही फाइल अपनी पेंशन की होती, ठीक है, तो ये देखिए पेंशन से संबंधित किसी बंदे ने मतलब डाला है तो ये वो यहाँ पे आ जाती है, तो अपन इसको ओके कर सकते हैं यहाँ पे और उसी पर्पज को अपन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पर्पज नहीं मिल रहा हो तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे पर्पज ऐड करने के लिए, कि भाई ये फाइल आप क्यों लेना चाह रहे हो, क्यों बनाना चाह रहे हो, तो उसका पर्पज अपन यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। इसका पर्पज मान लो जैसे ये तो भी मान लो कि टेस्ट पर्पज ही टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम आप डाल सकते हैं, हिंदी में डालो तो डालो, नहीं कंपलसरी नहीं अंग्रेजी में चलेगा। अब यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एकदम सही आईडी है तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा यहाँ से। यहाँ पर ऐड करके ऐड करेंगे तो ये इस लिस्ट के अंदर ये एक नया पर्पज ऐड हो जाएगा, जिसको कोई भी कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकता है। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अपन को पर्पज ऐड करना हो तो ऐड कर लेते हैं, एक नॉर्मल पर्पज ऐड कर देते हैं।
सर्च करेंगे, सर्च करेंगे। इससे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से पर्पस का डिस्क्रिप्शन के भाई, पेंशन के अंदर भी क्या फाइल है, किस लिए चाहिए, उसका क्या पर्पस का पूरा डिस्क्रिप्शन के भाई। मानो कि मैंने ये फाइल बनाई है, इसमें जो मैं ऐड करूँगा पर्पस डाल देते हैं, पर्पस का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यहाँ पर पेंशन कैंसिलेशन का ऑर्डर बना रहा हूँ मैं, इसका ये प्रपोजल। और ये प्रायोरिटी है भाई, रूटीन है या अर्जेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, अर्ली है, इमीडिएट है, टॉप प्रायोरिटी, अर्जेंट या विधानसभा का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा हो तो आप इसकी प्रायोरिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरा ये रूटीन फाइल है मान लो, तो मैं इसको यहाँ से इनिशिएट कर दूंगा, तो पर्पज इनिशिएट हो जाएगा, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये पर्पज आ गया पेंशन, और ये रूटीन फाइल है, तो इसके अंदर ये आ गई प्रायोरिटी रूटीन। अब होता है इसके अंदर पीयूसी डालने, पीयूसी मतलब संदर्भित पत्र। इसके लिए आपको, आपके पास कोई फाइल मान लो आई है, उस पत्र का संदर्भ अपन को इसमें डालना है, कहीं और दूसरे ऑफिस से फाइल आई है उसके अपन डाक बना रहे हैं, उसके फाइल क्रिएट करना है, और उसके पीओसी की डिटेल यहाँ पर अपन डालेंगे। इसके अंदर न्यू इनवर्ड रिसिप्ट ये आएगी, यदि आपके पास में पहले से इनवर्ड की हुई फाइल है तो वो यहाँ आ जाएगी, और इनबॉक्स में यदि डाक हो तो वो डाक का डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं पर्पज में, और अन्य कोई फाइल हो जैसे अपने पास ही फाइल है तो अपन उसको डालते हैं, तो यहाँ से फाइल अटैच कर लेंगे जो अपने पीसी में पड़ी होगी, ऐसे पर्पज डाल दिया। और इस फाइल का नाम यहाँ पर लिखना है पेंशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर पेंशन कैंसिलेशन, यहाँ से इसको अपन सेव कर लेंगे। ये पीयूसी काम आती है, अपन ये फाइल अपने अधिकारी को जब भेजते हैं साइन के लिए, तो अधिकारी डायरेक्ट पीयूसी पे क्लिक करके इस फाइल के बारे में जान सकता है भाई, किस संबंधित फाइल है ये और मेरे पास में क्यों है। और अब अपन यहाँ से ड्राफ्ट है वो, जो अपन ने इसके संबंध में लेटर बनाया है, उस संबंध में जो लेटर बनाया है वो यहाँ ड्राफ्ट के अंदर अटैच होगा, तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आ गया है। देखो दो प्रकार का ऑप्शन है, ऑनलाइन डीएफ है, ऑफलाइन डीएफ है। तो ऑनलाइन डीएफ के अंदर इसका बिल्ट इन एक वो है, एडिटर है, उसके अंदर अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ड्राफ्ट टाइप कॉमन टेम्पलेट। अभी यहाँ पर अपन प्रिपेयर करते हैं, स्लो चल रही है, इंटरनल सर्वर प्रिपेयर करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें। यहाँ पे ये पूरा का पूरा वो ओपन हो जाता है एडिटर, उसके अंदर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर यहाँ से सेव करके इस फाइल को आगे भेज सकते हैं। पर ये इतना फायदेमंद नहीं है, अपन को ये चाहिए कि सीधा ही अपने कंप्यूटर में बनाए फाइल और उसी को अटैच कर दे, पीडीएफ फाइल उसकी पीडीएफ बनाए, कोई भी फाइल बनाए उसकी पीडीएफ बनाए और उसको डायरेक्ट अटैच कर दें। इसके लिए अपन के पास ऑफलाइन डीएफए का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से अपन अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। अब जो अपने के द्वारा फाइल बनाई गई है कंप्यूटर पर, जो पहले से सेव है अपने पास में, उस फाइल को अपने इसमें अपलोड करेंगे। ये यहाँ से ब्राउज करते हैं, फाइल लेते हैं, मान लो ये फाइल है। एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि ये फाइल का नाम इंग्लिश में ही होना जरूरी है, हिंदी की फाइल हिंदी का नाम होगा तो वो अपलोड नहीं होगी। ये हो गया, यहाँ से करते हैं, अब यहाँ से अपलोड डीएफए करते हैं, ये हो गया डीएफए। अब जैसे अपन को दिख रहा है ये अपनी फाइल यहाँ से अटैच हो चुकी है, और यहाँ से अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं वापस देखने के लिए कि भाई हाँ सही हुई है कि नहीं हुई। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मान लो गलत फाइल हो गई है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से डिलीट कर दें। इसी को अपडेट करना है तो वापस से इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करेंगे दोबारा इसको अपलोड करनी होगी। इसको अप्रूव करना है, यदि अपने पास में ऑथोरिटी है अप्रूव करने की तो अपन इस फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। चूंकि अपन पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड फाइल होती है, पीडीएफ क्रिएट हो गई है मतलब वो फाइल अप्रूव्ड हो चुकी है, इसलिए पीडीएफ के अंदर अप्रूव्ड का काम नहीं होगा, पीडीएफ अप्रूव्ड ऑटोमेटिकली आएगा इसका ड्राफ्ट स्टेटस है। और यहाँ से सिग्नेचर करते हैं, ये सेव
अधीनस्थ कार्मिक है वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, अपने ऑफिसर को भेजनी होती है, तो ऑफिसर यहाँ पे इस ऑप्शन के माध्यम से ही सिग्नेचर करता है। और जब ये फाइल अपने पास वापस आ जाती है तो अपन इसको आउटवर्ड भी कर सकते हैं, इसको आगे भी भेज सकते हैं। अब ये है, अपन यहाँ पे इसकी नोटिंग डालते हैं। नोटिंग इसलिए ताकि मान लो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी फाइल है और उसके अंदर पहले से जो जितने भी अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो उनके ऊपर पहले से साइन हो चुके हैं, तो इससे नोटिंग के अंदर अपन इसका लिंक दे देंगे ताकि ऑफिसर को अपने अधिकारी को इसके बारे में पता चल पाए कि भाई कौन सी फाइल है और किस फाइल पर मैं साइन कर रहा। तो इसके लिए अपन जैसे लिखते हैं, यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं, श्रीमान। यहाँ से अपन अटैच करेंगे, पहले पीयूसी अटैच करते हैं कि भाई कौन सी संदर्भित फाइल है उसके बारे में जो ये फाइल बनाई गई। तो यहाँ से पीयूसी सिलेक्ट करते हैं, पीयूसी सिलेक्ट करते ही अपने पास में ऑटोमेटिकली जितने अपने संदर्भित पत्र अटैच किए हुए हैं तो उनकी लिंक यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सीधा इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके, तो ये फाइल इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पर इसकी लिंक क्रिएट हो जाएगी। अब इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी उस पीयूसी पर जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे PUC1C के संदर्भ में ड्राफ्ट, यहाँ डालेंगे भाई कौन सा ड्राफ्ट है। मान लो ड्राफ्ट ही बहुत सारे आ जाए, यहाँ पर बहुत सारे ड्राफ्ट आ जाए एक, तो भाई किस पे साइन कर। तो उसके लिए अपन यहाँ पे ड्राफ्ट की लिंक भी डालेंगे। क्लिक किया, यहाँ से ये ड्राफ्ट का लिंक डालेंगे। ये रहा अपना ड्राफ्ट, बहुत ज्यादा ड्राफ्ट होते हैं तो जिस ड्राफ्ट को डालना होता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में संबंधित ड्राफ्ट की लिंक है वो इसके अंदर डल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये आ गई। के संदर्भ में श्रीमान, के संदर्भ में DFI हस्ताक्षर हेतु प्रेषित है। अब ये नोटिंग भी इस फाइल के साथ में ही चली जाएगी। अब होता है भाई इस फाइल को भेजें कैसे, अधिकारी के पास में भेजें कैसे। तो इसके लिए सेंड टू एनीवन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस किसी को भी भेज सकते हैं अपन, जरूरी नहीं ये फाइल अपने अधिकारी को भेजे, अपन किसी को भी भेज सकते हैं जिससे अपन को साइन करवाना। तो यहाँ से अपन आसानी से सर्च कर सकते हैं, पूरा ऑप्शन है। SSID लगाओ, मोबाइल नंबर से सर्च कर लो, एम्प्लॉय आईडी है तो उससे सर्च कर लो, नाम है नाम आप पता हो तो उससे सर्च कर लो। और फिर जो है अपन सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी और संबंधित अधिकारी को अपन सेलेक्ट करके और प्रोसीड कर देगा। यहाँ से प्रोसीड करते ही ये फाइल उस अधिकारी के पास में चली जाएगी। तो मैं इसको प्रोसीड नहीं करता हूँ वर्तमान में, मैं आपको उस अधिकारी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही भी यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये फाइल जो ही इस पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, ये फाइल संबंधित अधिकारी का इनबॉक्स में चली जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। मान लो अब अपन ऑफिसर है वो अपनी आईडी लॉगिन करेगा, या उसका अधीनस्थ कार्मिक है जो भी है वो उसकी आईडी लॉगिन करेंगे, तो उसके अंदर उसके इनबॉक्स में ये फाइल अपनी फाइल दिख जाएगी। तो इसको वो ओपन करेगा और यहाँ से इसको देखना होगा तो यहाँ से क्लिक करके अपना PUC देख लेगा। ये देखिए क्लिक करते हैं तो ये PUC ओपन हो जाएगा और इसके बाद में संदर्भित पत्र को देखना होगा तो पत्र देख लेगा। ये पत्र सीधा ही ओपन हो रहा है, ये जैसे पत्र ओपन हो गया, माना गया पत्र। अब अधिकारी क्या करेगा, इस ड्राफ्ट पर जाएगा, इसको सिलेक्ट करेगा और यहाँ से सिग्नेचर करेगा। तो वर्तमान में सिग्नेचर के चार ऑप्शन अवेलेबल है, USB टोकन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट जो अपने पास में डोंगल है उससे अपन साइन कर सकते हैं, उसको भी इसके अंदर इंस्टॉल करके और उसकी सेटिंग करनी होती है, और फिर है आधार बेस्ड ई सिग्नेचर, इसके अंदर अपने आधार के मोबाइल पर OTP जाती है, और फिर है EKYC बेस्ड ई सिग्नेचर। EKYC बेस्ड ई सिग्नेचर नया चालू किया गया है, इसके अंदर एक EKYC का डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, राजस्थान की डिजिटल सिग्नेचरी सर्टिफिकेट की एक अथॉरिटी है उसके अंदर, उसके बेस पर अपन को एक वापस PKYC के द्वारा अपन वेरीफाई कर सकते हैं इसको। और फिर होता है एक अपलोड साइन डॉक्यूमेंट, कोई साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी अपन इसको साइन कर सकते हैं। तो वर्तमान में ये चार ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको आधार बेस्ड ई सिग्नेचर कर देना है। यहाँ से ओके करेंगे तो ये OTP आएगी, OTP डाल देते हैं, जी वेरीफाई करेंगे ये अपना डॉक्यूमेंट है वो साइन हो जाएगा। ये साइन हो चुका है, DFS साइन नाम आ गया, स्टेटस बदल गया, अब ये DFS साइन नाम आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन इसको साइन डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे और ये आ गया, इसके नीचे देखिए ये साइन आ गया। ये साइन को वेरीफाई भी अपन कर सकते हैं, यदि वेरीफाई का चिन्ह नहीं आ रहा है तो इसको एडोब रीडर में ओपन करें। और चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से एडोब रीडर में ओपन करना होगा और यहाँ से सिग्नेचर को वेरीफाई करना होगा। क्लिक करते हैं, यहाँ सिग्नेचर प्रॉपर्टी में जाएंगे, सो सिग्नेचर
सर्टिफिकेट, यहाँ पे ट्रस्ट का जो है ऑप्शन है, इस ट्रस्ट का ऑप्शन को ओके करेंगे। सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है अपन को सबको इनेबल कर देना है और ये ओके कर देंगे। ओके करते ही ये वैलिडेट करेंगे यहाँ से, तो ये वैलिडेट हो गया। इस प्रकार से अपन इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो अब मान लो ऑफिसर ने साइन कर दिए और इसको वापस भिजवानी है फाइल, तो यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन है, इस रिटर्न पे क्लिक करेंगे। रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो जिस व्यक्ति के द्वारा ये आप भेजी गई है फाइल, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते ही ये फाइल वापस उसी के पास में चली जाएगी। और यहाँ से ये अलग अलग ऑप्शन है, यदि आप वर्तमान में इसको भेजना नहीं चाह रहे हो, मान लो अभी नहीं भेजनी है किसी और को, तो इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं, सेव करके यहाँ रख दे और यहीं से फॉरवर्ड करनी है, तो इस फाइल को अपन यहाँ से सेंड टू एनीवन के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपन को इसमें लास्ट में यह होता है कि इस फाइल को डिस्पोज करना टाइम पर जरूरी होता है, तो डिस्पोजल का टाइमिंग जैसे चलती रहती है, इसको समय पर डिस्पोज करना जरूरी होता है कोई भी फाइल हो। तो यहाँ पर मोर में ऑप्शन है डिस्पोज का, तो ये डिस्पोज तभी करनी है जब अपने पास में अथॉरिटी के सिग्नेचर के बाद में फाइल वापस आ जाए और उसका पर्पज पूरा हो गया है, तो अपन उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और डिस्पोज फाइल को आप वापस ओपन भी कर सकते हैं कभी भी, तो यहाँ से अपन डिस्पोज कर देते हैं। ये थी जानकारी राजकाज पर ये फाइलिंग बनाकर उसको डिस्पोज करने तक की। फाइल डिस्पोज करने के बाद में यदि मान लो उसी फाइल में अपन को दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, दूसरी दूसरा लेटर बनाना है, तो अपन जाएंगे डिस्पोज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो अपने जो फाइल थी डिस्पोज उस पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को यहाँ से अपन वापस ओपन फाइल पर क्लिक करते हैं, ये फाइल वापस ओपन कर लें। और वही प्रक्रिया आपको दोबारा दोहरानी है, जो भी काम करना है आप इस ओपन फाइल में करेंगे, ये ओपन फाइल वापस अपने इनबॉक्स में चली जाएगी और यहाँ से अपन को काम करना है वो करते रहेंगे। फाइलिंग का मतलब है मान लो अपने पास में जो फिजिकल फाइल पड़ी है उसी फाइल में अपन को कोई लेटर बनाना है और उस लेटर को अपन बना के ऑफिसर के पास में ले गए, उसने साइन किए और वो लेटर जिसको भेजना था अपन ने भेज दिया और वापस उसी फाइल में डाल के वो फाइल अलमारी में रख दी, मतलब कि उस फाइल को डिस्पोज कर चुके हैं अपन। तो सेम ही प्रोसेस है बट ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है और ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसके अंदर फाइल गायब होने का कोई खतरा नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी फाइल के बारे में, आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं और इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करें अपने कर्मचारी साथियों में, ताकि इसका अधिक से अधिक ज्ञान हो सके और आप इजीली फाइल बना सके। फिर भी यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उस समस्या का समाधान आपका किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।